370 हटाने के बाद वहां शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो गया, ये क्या कम बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, और बीजेपी वहां बड़ी है। राहुल गांधी अगर हरियाणा करने नहीं जाते तो निश्चित वहां कांग्रेस की सरकार बनती। मोहब्बत की दुकान का शटर बंद हो गया, और आप देखना राहुल गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी पनौती बन गए हैं। देखिए हरियाणा में तो अगर राहुल गांधी चुनाव प्रचार में ना जाते तो भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन गए होते हैं। राहुल गांधी जी की जो भाषा है उसे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। कभी वो सनातन का विरोध करते हैं, कभी राम मंदिर में कहते हैं नाच गाना हो रहा है। ये जो राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है और अयोध्या हार गई, सनातन का विरोध, वामपंथियों का समर्थन, नवरात्र में चिकन मटन खाना, ये लेड हुआ। राहुल गांधी अगर हरियाणा करने नहीं जाते तो निश्चित वहां कांग्रेस की सरकार बनती। आखिरी वक्त में ये लुटिया डुबो दी। और एक बार मैंने हुड्डा जी को कहा भी था कि आप राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में मत बुलाना, लेकिन क्या कर सकते हैं, हरियाणा की जो जीत है ये सनातन की जीत है, और सनातन कभी हार नहीं सकता। तो क्या राहुल गांधी का मोहब्बत की दुकान वाला कुछ सामान वहां नहीं चल पाया हरियाणा में? मोहब्बत की दुकान का शटर बंद हो गया, और आप देखना राहुल गांधी कांग्रेस की सबसे बड़ी पनौती बन गए हैं। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साथ गठबंधन किया, सीटें जीते लेकिन सारी सीटें ज्यादातर वो जीते हैं उमर अब्दुल्ला ही जीते। देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गया ये बहुत बड़ी बात है, देश की जीत है, देश के लोकतंत्र की जीत है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जीत है। 370 हटाने के बाद वहां शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो गया, ये क्या कम बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, और बीजेपी वहां बड़ी है। इसका मतलब जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 हटाने के फैसले पर अपनी मोहर लगाई है, और बीजेपी अगले चुनाव में वहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और वहां कांग्रेस की स्थिति देखो, 5-7 सीटों पर है। राहुल गांधी जी को अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने से दूर नहीं किया तो झारखंड का चुनाव बुरी तरह हारेंगे, महाराष्ट्र का हारेंगे। अगर राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो निश्चित जान लो कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी का जो गठबंधन है ये बुरी तरह चुनाव हारेगा, झारखंड में बुरी तरह चुनाव हारेगा, क्योंकि देश की जनता देश का विरोध बर्दाश्त नहीं करती। और राहुल गांधी जी देश के बाहर जाते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं। सनातन और भारत का विरोध करके इस देश में राजनीति नहीं हो सकती।